للمن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدنا अशदनास अदावत अमनु अलीद व्लीना अशरकु सदाकल अजीजा गिर क़द्र आज का जो हमारा नवान है आप मुतव हैं कि वो फिलिस्तीन और इसराइल का जो उसके ऊपर गास्बाना कब्ज़ा है उसके हवाले से है आ, यकीनन मैं इब्तदा में एक जो है वो फ़लस्तिन के हवाले से और इसराइल के हवाले से एक तारीख़ी इजमाली तौर पर आ, कुछ मताले हैं जो कि पेश करूँगा आपकी खिदमत में और उसके बाद इन कुछ मताले और आपकी खिदमत में पेश करूँगा मामूलन हमारे यहाँ ये यह होता है कि जब भी फ़लस्तीन का और इसराइल का ज़िक्र आता है तो बात को जो है वो उन्नीस सौ या अड़तालीस से शुरू किया जाता है कि जब बायदा फ़लस्तीन के अंदर जो है वो इसराइलीओं की महाजरत का सिलसिला जो है वो तकरीबन औज पर पहुंच चुका था और एक बड़ी तादाद वहाँ पे सेटल डाउन होना शुरू हो चुकी थी और फिर बरतानिया की मदद से उनको सपोर्ट किया गया अमेरिका की मदद से उनको सपोर्ट करके वहाँ पर उनको आबाद किया गया और फिर बाकायदा जो है वो एक फ़लस्तनी या इसराइली रियासत के अनवान से जो है वो मंजूर किया गया इसराइल को लेकिन अगर हम थोड़ा सा ज़रा तारीख में पीछे जाएँ तो आपको आ, ये बात सुनकर शायद थोड़ी सी हैरत होगी लेकिन इस सरजमीन के पहले रहायशी या पहले आबादकार जो हैं वो अरब ही हैं और अरब जो है वो सरजमीने अरब से मूव करके महाजरत कर कर इस एरिया में आकर आबाद हुए थे और बाद वाली जब सूरत हाल है हम देखते हैं कि हज़रत सलाम ने अपने दो फ़र्जंदान जनाब इसहाक़ और जनाब इसल आ सलातम में से जनाब हैं वो कनान और फिर इसके अतराफ़ में और फिर यही फ़लस्तान का एरिया है जिसमें वो लोग रहे हैं और हज़रत इस्माईल आसलातलम जो है उनको मक् मिलाकर आबाद किया गया अच्छा दोनों मकाम पर तकरीबन यानी मिलता है कि फिलिस्तीन में भी जो बैतलमक़दस है और कबला रहा मुसलमानों का आ, इसकी तमीर के हवाले से भी जो है वो जनाब इब्राहिम का किरदार तारीख में मिलता है और ख़ान क़बा के बारे में तो ख़ास तौर पर जो है वो कुरान ने भी जिक्र किया और आपका किरदार मिलता है अब बहुत वाज सी बात है यकीन तारीख़ के बहुत सारे औरक आपके आलिया में, में महफूज़ होंगे हजरत इसहाक की और के बेटे हैं जनाब याकूब के जिनका लकब इसराइल और फिर आपसे बनी इसराइल ही मरूफ हुए हैं यहूदी दुनिया में और जनाब याकूब के बेटे जनाब यूसुफ जनाब यूसुफ मिस्र में आते हैं और मिस्र में आपको हुकूमत मिलने और आपको जो मकाम अल्लाह ताला ने मिस्र में आपको अता किया उसकी वजह से सारे बनी इसराइल मूफ कर जाते हैं और मिस्र में ही आबाद होते हैं मिस्र में ही रहते हैं और फिर मिस्र में जो भी सूरत हाल पेश आई है बहरहाल ये अपनी जगह आभास है लेकिन यहूदियों की तारीख जो है वो साजिश और यानी ख़राबकारियाँ और धोखा फरेब और मेनिपलेशन ये इनकी तारीख रही है यही काम जब इन्होंने अंजाम देना शुरू किया तो जो मिस्र के आबाई लोग थे के फ़राइन का जिनसे ताल्लुक़ था उन्होंने इनकी ख़राबकारी की वजह से इनके ऊपर और इनकी साजिशों की वजह से इनकी मेनिपलेशनस की वजह से इनके ऊपर जो है वो सख्तियाँ ढाना शुरू किं उस ज़माने से लेकर जो ज़माना आता है वो ज़नाबे हज़रत मूसा सलाम हज़रत मूसा सलातम के ज़माने में भी आप देखें कि हज़रत मूसा फ़िरौन को शिकस्त देने के बाद फ़िरौन गर्क हो गया लेकिन आपने बनी इसराइल को वहाँ से निकाला निकालने के बाद आप बनी इसराइल को लेकर चले हैं और फ़लस्तान में दाखिल होने से पहले इनकी अपनी हरकतों की वजह से कि अभी आज का वो मौजू नहीं है कि मैं आज उसको तफसीला बयान करूँ लेकिन आप कुरान का मताल करें और आप जानते होंगे कि तकरीबा चालीस साल ये जो है वो अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन में सरगर्दन और परेशान किया इनको जो है वो इस जगह के फ़लस्तन के जो है वो आसार दिखाई देते थे शहर के और लेकिन सुबह उठते थे तो फिर उससे दूर होते थे फिर सारा दिन चलते थे इस तरह से एक दो महीने नहीं बल्कि चालीस साल जो है वो इनके साथ यही सिलसिला जो है वो जारी रहा और उसका नतीजा ये निकला कि चालीस साल के उस अजाब के बाद जो है इनको अल्लाह ताला ने फिलिस्तीन में जब इनकी तोबा कबूल हुई तो फिर इनको फिलिस्तीन में दाखिले की इजाज़त दी और ये फिलिस्तीन में आकर आबाद हुए खूब अब ये जाकर जब फ़िलिस्तीन में आबाद हुए हैं हज़रत मूसा के दौर से आप बात को आगे बढ़ाते हैं तो फिर जनाब अश्मल के दौर में जो है वो जनाब जनाबल ने सिलसिले को जारी किया फिर इनको इकट्ठा किया फिर जनाब तालू सलाम की सरबराही में इनके लश्कर जो हैं वो तश्किल पाए और उसके भी जो दास्तानें हैं वहाँ पर भी जो उन्होंने जनाब तालूत को जिस तरह से तंग किया इन्होंने और जनाब तालूत को जिस तरह से अजियत की उसके नतज़ज जो हैं वो हम देखते हैं और फिर उसके बाद जनाब दाऊद और फिर जनाब सलेमान कीकूमतें कायम होती हैं इन हुकूमतों में जो है जनाब दाऊद और फिर जनाब सलेमान सलाम के दौर में फ़लस्ती के ऊपर चूँकि जनाब आप कि जनाब सलेमान की हुकूमत एक बड़ी कुदरतमंद और ताकतवर हुकूमत थी तो इसी दौर में फ़लस्तिन के अंदर जो डेवेलपमेंट्स हुई हैं और हैकल सलीमानी बना और बहुत सारी मसाजिद और बहुत सारी बड़ी जो इमारात हैं वो तमीर हुई इसके बाद अगर आप तारीख़ का ज़रा सा भी मुताल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के फ़ौर बाद इनके दरमियान में दो बड़ी कुतें एक क़त सामरिया और एक क़त्त यहूदिया ये दो दोवतें जो हैं वो हज़रत सलमान सलाम के बाद जो है वो इस सिलसिले में जारी रही हैं सामरिया क़वत जो है ये वो है जो बाद में चल कर जो है शैतान परस क़वत के सामने तौर पर सामने आई ज़ायनिस्ट के तौर पर सामने आई फ्री मैसनिर एलिमिनाटी और ये सारा कुछ अच्छा इसके बाद से इनका एक जवाल इस तरह से चला आ रहा है फ़लस्तिन में भी कि बाद में हाँ, यानी जो रोम की हुकूमत थी वो गालिब हो गई थी और रोम के जो बुतप्रस् थे एक ज़माने में लोग उन्होंने जो है वो इनके ऊपर गलबा पाकर इसको इनको हुकूमत से बेदखल कर दिया था बाद में हम देखते हैं कि हज़रत मसीह अलातलम के दौर में हज़रत ईसीतम के दौर में यही वो लोग हैं कि जिन्होंने हज़रत ईसा सलात वाम हज़रत जकर्री आल सलाम हज़रत यही सलातम के खिलाफ जो है साजिशें और ये वो कौम थी कि जिसने उनको तकलीफ पहुँचाई और हज़रत आसीलातम के हता कत्ल तक में इनका हाथ समझने शामिल रहा लेकिन उस दौर में हजरत ईसा को अपने तई इन्होंने कत्ल करने के बाद इनके अपने ख्याल में इन्होंने कत्ल किया लेकिन अल्लाह ताली ने हज़रतलात को चौथे आसमान पर बुलाकर अपने अफजमान में रखा वहाँ से उसके बाद हम देखते हैं कि जो है मसीहियत का जो है वो एक तरह से शुरू होता है इनकी तमाम तर साजिशों के बावजूद रोम की जो बुतपरस्त हुकूमत थी वो आहिस्ता आहिस्ता मसीहत की तरफ मुतवज़ होना शुरू होती है और आगे चलकर हम देखते हैं कि रोम में मसीहियत का जो इकतदार है वो शदीद हो जाता है और जब मसीही इकतदार हासिल करते हैं तो मसीही बाकायदा इनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं हत्या बाज़ हमारे पास तारीख़ी रवायात के मुताबिक मसीही हैं कि जिन्होंने पहली मरतबा वहाँ से निकाला से लेकर हम देखते हैं कि इब्तदाई इस्लाम के अयाम में पैगंबर पैगम्बर अक्रम अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद लेकिन इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई ही अयाम में फ़लस्तीन जो है और इसका एरिया इस्लाम मुसलमानों के हाथों फतह होता है और तब से लेकर Uh, 1948 तक यूँ समझ लें कि तकरीबन ये मुसलमानों के हाथ में रहे। यानी दरमियान में अगर बहुत थोड़ी सी मुद्दत के लिए कभी किसी और हुकूमत के हाथ में अगर गया या किसी और मिलत के हाथ में गया तो गया मगर वो बहुत मुख्तर मुद्दत के लिए वरना अब आप तसवर करें कि तकरीबन 670 सौ सत्तर ईस्वी से लेकर उन्नीस सौ अड़तालीस तक एक इतना तूलानी दौरानिया है कि जिसमें ये मुसलमानों के इख्तीार में रहा और एक ज़माने तक तो हती मसीही जो थे जिन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगाई थी वो मुसलमानों को भी ये कहते थे कि आप जो है वो इनको अंदर नहीं आने देना इनको इबादत के लिए जगह नहीं देना लेकिन मुसलमानों ने बिलाखिर इनके साथ थोड़ा सा मुराद की और इनको नस्बता जो है वो जगह दी और इनके हिसाब से कोशिश की गई कि ये जो है वहाँ पर अपनी जो भी इबादत हैं और जो सिलसिले इनके उनको जारी रखें अच्छा अब आप मैं तारीख में लाजमा तो वो सारी तफासिल बयान अभी नहीं कर सकता कि इस सारे दौर में ये यहूदी जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर अपने कदम जमाने की कोशिश करते रहे मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने हुकूमतों में मुदाखिलत मुख्तलिफ मुख्तलिफूमतों की जोड़ तोड़ क्लोनाइजेशन में इनका रोल मर्केंटलम में इनका रोल वो सारे के सारा अपनी जगह पर है फिर तजारतों के अंदर जो इनकी साजिशें थी कंपनी के नाम से ईस्ट इंडिया जो कंपनीज बनी थी असल में बेसिकली कंपनी बनी थी कंपनी मुख्तलिफ एरियाज में जाकर काम करती थी जिस एरिया में काम करती थी उस एरिया के अतबार से उसका नाम होता था ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो सारी की सारी जो है वो इन्हीं यहूदियों के हाथ में थी जिसमें ये गैर कानूनी मनशियात का कारोबार इस तरह के तमाम जितने भी यानी आप तारीख़ में देखेंगे कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि डर्टी वर्कस आप तलाश करेंगे तो उसमें आपको इन यहूदियों का हाथ मिलेगा से लेकर इन्होंने फिर जब बाकायदा फ्री मैसनरीज़ को बनाया और फ्री फ्री मैसनरीज ने दोबारा इनको जॉइन करना शुरू किया इनको गैदर करना शुरू किया तो उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ हवालों से अपने लिए जो है वो जगह बनाना शुरू की लेकिन इनके पास जो है वो एक बड़ा इशू ये था कि इनको अपने लिए जगह जो है वो नहीं मिल रही थी तो इसमें 1870 सेवेंटी में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है वो जिसे कहना चाहिए कॉन्फ्रेंस की जिसमें थियोडोर हरटसल जो है उसने जो है इसको बाकायदा तो लोगों को तश्ीक दिलाई शौक़ दिलाए इन सबको जमा किया और वहाँ पर पहली मरतबा जो था उस इजलास के अंदर आ, यहूदियों की हकूमत और यहूदियों की बाकायदा जो है वो एक मुल्क का कॉन्सेप्ट दिया गया और उसके लिए जिस सरजमीन का इंतबाब किया गया वो फलस्तीन की सरजमीन थी लिहाजा अब आप यानी इसको यूँ समझ लीजिए कि जो लोग फ़लस्तन का और इसराइल का आ, क्रिएशन वगैरह या उसकी इब्तदा जो है वो 1948 से समझते हैं वो समझते हैं कि कुछ हालात ऐसे पेश आए कुछ वाकयात ऐसे पेश आए कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिनके नतीजे में ऐसा हो गया ऐसा हरगिज भी नहीं है आप अगर थोड़ा सा भी तारीख को स्टडी करें प्रॉपरली और उसको जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि नाइन्टीन सेंचुरी के मिड से ऑनवर्ड ये यह एक प्लानिंग के तौर पर जायनिज्म इनका जो प्लानिंग कर रहा था जायनिस प्लानिंग जो थी वो बाकायदा इनको गैदर करने इनको जमा करने इनको एक हकूमत दिलाने और इनको पूरी दुनिया के ऊपर जो इनका कब्ज़ा और इनका नफूज है उसके लिए जो है वो बाकायदा प्लानिंग शुरू हो गई थी इसी तरह से एक बिलफोर क्या नाम है अनाउंसमेंट थी एक बहुत बड़ी उसके ऊपर जो है आ, अगर उसके हवाले से आप जाकर देखें आ, तारीख में एक बहुत बड़ा इवेंट है कि जिसमें बाकायदा जो है वो रोड जो था उसने अनाउंस किया था और उसके हवाले से इसकी एक बहुत बड़ा आ, यानी फाउंडिंग स्टोन जिसको आपको कहना चाहिए कि वो आ, आ, तश्कील पाया था और उसमें इन्होंने कोशिश की थी कि वहाँ से दोबारा फिलिस्तीन के अंदर जो है वो अपनी आबादकारी के सिलसिले को जारी करें लेकिन हर मरतबा इनको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता था और इनको हर दफ़ा जो है वो रद्द कर दिया जाता था उस्मानी दौर के एक बादशाह को इन्होंने यानी बाकायदा रिश्वत ऑफ़र की थी एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ़र किया था उस जमाने में कि वो पैसे लेकर इनको जो है वो फलस्तिन में एंट्री दे दें अच्छा जब ये सारी की सारी इनकी कोशिशें इब्तदाई तौर तो पर जो है वो नाकाम हुई हैं तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही बीसवीं सदी का आगाज़ होता है दुनिया में दो बड़ी जंगें वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू पेश आती है अब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू को अगर आप सही माना में तजदिया करें तो इसमें आपको एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो इन्हीं लोगों का मिलेगा एक फिर पूरा सिलसिला है एक पूरी स्टोरी है कि जिसको बिल्ड किया गया जिसको बनाने की कोशिश की गई जिसके हवाले से ये गुफ्तु की गई कि जी जर्मन जो थे उसमें ख़ास तौर पर हिटलर जो था वो इनको कत्ल करना चाहता था या उसने इनके ऊपर बहुत सारे मज़ाले ढाए हॉलोकॉस्ट के नाम से एक बहुत ही झूठी जो है वो कत्ल और मजलूमियत की दास्तानें जो है उनको गढ़ा गया यानी एक पूरा जिसे कहते हैं कि मज़लूमीत का प्लेटफॉर्म जो है ना वो इनके लिए क्रिएट किया गया ये सारे का सारा प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया गया था कि अलाजाहिर लोगों के आँखों में एक धोखा देते हुए कि जी इसराइलीस जो हैं वो या यहूदी जो हैं वो मज़लूम हैं और इन मज़लूमों को जो है वो ज़मीन चाहिए जगह चाहिए और उसवान से अपने लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके और फिर फ़लस्तिन में ये अपनी आबादकारी का सिलसिला जो है उसको शुरू करें अच्छा ये जो बैलफोर या बेफोर डेक्लेशन था इस डेक्लेशन के बाद से जो है वो एक सिलसिला इनका शुरू हो चुका था कंटिन्यूसली इनका जो है वो महाजरत का सिलसिला फिलिस्तीन में शुरू हो गया था वहाँ के अरब जो थे वो इनके ख़िलाफ़ एहताजात कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोशिश कर रहे थे कि इनको वहाँ पर आबाद ना होने दिया जाए लेकिन एज़ यू नो हर दफ़ा जो है वो ताकतवर कुदरतें जो है वो ताकतवर हाथ जो थे वो इनको आबाद करने में वहाँ पर अपना एक्टिव रोल प्ले करते रहे से लेकर जो है वो ज़माना कि जब इन्होंने नाइनटीन में बाकायदा दो इनके शिप्स भरकर जो है वो आकर साहिल पर खड़े हो गए और एक शिप को फिर इन्होंने जानबूझ कर डबोया और उसके बाद एक एमरजेंसी नाफिस करके जो है इनके लोगों को वहाँ पर उतारा किया और उतारने के बाद एक अजीब वरीब सूरत हाल अब आप देखिए यानी किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस कर मैं आपके घर में मेरे पीछे कोई ताकतवर आदमी हो मैं आपके घर में घुस जाऊं और आपके घर में जाकर कब्ज़ा कर लूं नाम मेरा पना गुजीन हो लेकिन मैं आपको जो है वो दो कमरों में महदूद कर दूं या मसलन एक कमरे में महदूद करके पूरे घर के ऊपर काबिज़ हो जाऊं और उसके बाद जो है वो कुछ अरसे के बाद पता लगे कि जी आप जो है ना उसी जगह पे मैं आपको कहूँ कि आप मुझे आप किराया दें तो अब आप की जो सूरत हाल होगी इस वक्त फलस्तनी उसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं देखिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो इन लोगों के हाथ में है पूरी दुनिया का मीडिया इनके हाथ में पूरी दुनिया का सोशल मीडिया इनके हाथ में है इसल बनाने की जितनी भी दुनिया में फैक्ट्रीज़ हैं उनमें से बड़ी इनके हाथ में हैं सारी बड़ी मल्टानेशनल्स इनके हाथ में हैं मेडिसन की कंपनीज इनके हाथ में अच्छा जिस जगह पर यहूदी आपको जिसे कहना चाहिए वजूद मिलेगा इवन वो चीज़ आपको क्राफ़्ट मिलेगी यानी इवन मसलन अब आप मेडिकल को अगर टच करते हैं तो जितनी भी मेडिकल इंडस्ट्री है इस वक्त दुनिया में यानी इनका जो काम है वो ये कि ये वबा फैलाते हैं उसकी वैक्सीन और या मेडिसन बेचते हैं आ, इलाज का जो सिस्टम है उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है कि वो प्रॉपर इलाज नहीं है और एक ऐसी यानी बाहर जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं उनको ये शायद बातें मेरी थोड़ी सी बुरी लगेंगी लेकिन मैं खुद डॉक्टर तबके के ही अल्फाज दोहरा रहा हूँ ये मेरे अल्फाज नहीं हैं वो डॉक्टर्स जो के बाद में डिफरेंट दीगर सिस्टम्स को पढ़ने के बाद बातचीतों की तरफ मुतवजह हुए हैं तो वो ये कहते हैं कि अच्छा ये है इसमें आप जाके देखें जितनी भी किताबें हैं वो सारी इन्हीं की छपी हुई होती हैं और उसमें इस तरीके से ब्रेन स्ट्रामिंग की जाती है कि ये लोग फिर किसी और सिस्टम को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते यानी ये समझते हैं कि बाकी दुनिया का हर जो मेडिकल सिस्टम है मेडिसिनल सिस्टम है वो धोखा है वो मसला एक जिसे कहना चाहिए फजूल चीज़ है और सिर्फ़ और सिर्फ जो मेडिकल हम इलाज करते हैं बस यही इलाज है उसके अलावा सब कुछ जो है वो फजूल है अब ये जो सारी सूरत हाल है इससे एक बात हमें ये समझ में आती है कि इनको फलस्तिन में उतारने के पीछे और बाकायदा फलस्तिन में इनकी हुकूमत बनाने के अतबार से एक बायदा प्रॉपर प्लानिंग है कि जिसके तहत ये काम किया गया है ये बात हमें और आपको अब समझनी चाहिए कि इनकी वो जो एक हम कहते हैं ना सरबुलंदी का दौर जिसमें इनको अल्लाह ताला ने इनके पर नियमतें नाजिल कें इनको जो है अल्लाह ताला ने अपने दौर में इनको बाकी अकवाम से जो है वह अफजल रखा इनके ऊपर मनोसलवा नाजिल किया उसके बावजूद भी ये एक ऐसी नाशक् कौम के तौर पर साबित हुई कि जिसने अल्लाह ताला के अंबिया को कत्ल किया नाहक कत्ल किया और इन्होंने वह बदतरीन मिसालेंायम कं कि जिसके बाद आप अज़ अलाही के जब इस वक्त ये शिकार हुए हैं तो अब इनको आप तस्वुर कर लें तकरीब यानी यानी 2000 साल का तो अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें तो अंदाज़ा इनको हो चुके हैं अब उस पूरे टाइम पीरियड में के जहाँ से इनका डाउनफॉल चल रहा है ये उस पूरे दौरानिए में ये कोशिश ज़रूर करते रहे हैं कि दोबारा से अपने आप को पावर में लेकर आएँ दोबारा से आकर चीज़ों को अपने कब्जे में लें लेकिन एक बहुत बड़ा टाइम ऐसा गुजरा है कि जिसमें ये अपनी तमाम तर कव के बावजूद दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं अपने लिए क्रिएट कर सके यानी कई मकाम पर मुसलमानों ने इनको शिकस्त दी और इनको कॉर्नर किया एक बहुत बड़ी हिस्ट्री इनकी जो है वो क्रिश्चियंस के साथ है कि जहाँ पर क्रिश्चियंस ने इनको जो है वो मारा पीटा और इनको जो है वो कॉर्नर किया है लेकर आप आ जाएं तो तकरीबन यूँ समझ लें कि पंद्रहवीं सदी और सोलहवीं सदी से जो है रेनेजेंस की जो तहरीक शुरू हुई है उसमें इन्होंने इंटेलेक्चुअली जो नफूस करना शुरू किया इन्होंने जिस तरीक़े से ईसाईत की शक्ल को बदला इन्होंने जिस तरह से मुसलमानों के दरमियान में रखने पैदा किए यानी इन्होंने तकरीबन कई सदियाँ तीन या चार सदियाँ सिर्फ अपनी साजिशों के ज़रिए से मुख्तफ अध है वो टुकड़े टुकड़े किए आज दुनिया इनकी इन साजिशों के बाद कहाँ खड़ी है आज दुनिया इस जगह पर खड़ी है कि ईसाइत की जो शक्ल है वो तकरीबन बिल्कुल तब्दील हो चुकी है यानी उनको दीन से इतना दूर कर दिया गया है उनके दीन की शकल इतनी मस्क कर दी गई है कि अगर आप हकीकी ईसाइत को तलाश करने निकलेंगे तो शायद आपको हक़ीक ईसाइत इस वक्त दुनिया में कहीं पर भी ना मिले ना उनका जो इबादी तसुर था जो उनके यहाँ इबादत थी उन सब का इन्होंने तो मजाक उड़ाकर उसको जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया उसकी जगह खुराफात को इतनी शिद्दत के साथ उनमें जारी किया है कि आज वो अपनी इबादी जो अयाम है या इबादत के जो अरकान हैंफआल हैं उनको अंजाम नहीं देते लेकिन ये हॉलोवीन और इस तरह के बहुत सारे जो मुख्तलफ अफ़आल है उनको पूरी शिद्दत के साथ अंजाम देते हैं यानी ख़ुराफ़ात ने इतना गलबा वहाँ पर कर लिया इधर से मुसलमानों के दौरान मुसलमानों के अंदर अलबत् एक बड़ी पेचीदा हिस्ट्री है और इन्होंने इब्तदाई इस्लाम से नफूज किया है आपको यहूदी तकरीबन हर मुसलमान बादशाह की बगल में नज़र आ जाएंगे अब वो शाम में बैठा हुआ सर जॉन हो या इब्न ज़ियाद की बग़ल में बैठा हुआ माकल हो से लेकर ये जितने भी अफराद हैं ये सारे के सारे जो है इन्होंने मुसलसल कंटिन्यूसली जो है वो एक सिलसिले को जारी रखा के नफूज के जरिए से मुसलमानों को डिट्रै करने की कोशिश की और इन्होंने जितनी अपनी कुदरत इस्तेमाल की वहाँ से हमारे आयम सलाम का एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव और इस्लाम का एक डिफेंसिव सिस्टम जारी रहा कि जिसने मुसलसल इन यहूदियों की जो साजिशकारियाँ थीं उसको डिफेंड किया मैं थोड़ा सा ज़रा आयत की तरफ़ पलटता हूँ बात को और फिर यहीं से आगे बात को कंटिन्यू करूँगा कि कर्न करीम पैगम्बर अक्रम सल्ह वसलम से अरसात फरमा आप जरूर बिल जरूर पाएंगे ताक़ीद के साथ कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आपको जो है ये चीज़ मिलेगी क्या अशद अदावा लोगों के दरमियान में बदतरीन और शरीन दुश्मनी करने वाले ईमान वालों से दुश्मनी करने वाले कौन मिलेंगे अलहूदी तो अब एक बात हमें कुरान से ये बात समझ में आ गई है कि इंसानों में से बदतरीन दुश्मनी करने वाले जो हैं वो ये यहूदी ही हैं और इन यहूदियों ने तूल तारीख में मुख्तलफ अंदाज से काम करने की कोशिश की वेस्ट में इनका जो दाव चला मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सेलेबी जंगों वगैरह के ख़त्म होने के बाद दुनिया जो है वो एक नए फेज़ में दाखिल हो रही थी अफकार में तब्दीली आ रही थी वहीं पर इन्होंने आ, बेसिकली यानी अगर आप देखेंगे कि आ, जो इन्होंने नफूज पैदा करना शुरू किया है वो इंटेलेक्चुअल बेस से शुरू किया और इंटेलेक्चुअल बेस से इन्होंने मुख्तफ में अपने माह्रन को तैयार करने के बाद उन माहरीन के ज़रिए से पहले जो है वो उलूम की जो कैफ़िया हैं उनको तब्दील करना शुरू किया और उलूम के ज़रिए से ही पूरी की पूरी जो थाट्स हैं उनको तब्दील करना शुरू किया और मज़हब मखालफ जो अफकार हैं उनको पैदा करना शुरू किया लोगों को जो है वो दुनिया भर में जितने भी इस वक्त फिक्री इनहराफ हैं उनको जब आप तलाश करने जाएंगे उसके पीछे आपको कोई ना कोई यहूदी मिलेगा इसी तरह से मुख्तफ़ल के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को तैयार किया और पहला जो इन्होंने अपना इस्ट्रांगांग बेस बनाया वो इलमी और इंटेलेक्चुअल बेस था दूसरा बेस जो इन्होंने तैयार किया वो इकतसादी था यानी उसी के पैरल आप देखें कि सरमायादाराना निज़ाम और उसकी इसको स्ट्रेंदन करने में इन्होंने जिस तरीके से मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्जे किए मख्त जगहों पर नफूस पैदा किया और बजाय ये बात समझ में आ गई थी कि हुकूमत जो है वो तीसरा फेज है यानी पहले आप इंटेलेक्चुअल बेस अपना स्ट्रॉन्ग करो दूसरे नंबर पर आप अपना अकतसदी बेस स्ट्रॉन्ग करो जब आप इन दो चीज़ों को काबू में कर लोगे तो फिर हुकूमत ख़ुद ब खुद आपके पैरों में आएगी मैं ये समझता हूँ कि इनकी दरियाफ्त बिल्कुल सही है और मसला सिर्फ़ ये है कि जो ये करने जा रहे हैं वो गलत है यानी द पॉइंट इज़ कि जो इन्होंने सोचा है या जो प्लानिंग ये कर रहे हैं या जो फेज़ इन्होंने तय किया है वो बिल्कुल सही है आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को स्ट्रेंडन करें इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रेंडन करें हुकूमत आपके पैरों में थोड़ा सा अगर हम इस्लाम की इब्तदाई उसकी तरफ पलटें तो हम देखते हैं कि पैगम्बर अक्रम सल्ला वसम इलमी अतबार से क़ुरान एक महकम दलील एक महकम जो है वो इलमी और इंटेलेक्चुअल बेस और ख़ुद आपकी तात करामी इंटलेक्चुअल अतबार से एक महकम बेस उधर से जनाब खद्रजतलरा सलाम की दौलत ये दो चीज़ें मिल रही हैं कि जो इस्लाम का बेस बना रही आगे चल कर भी हम देखते हैं कि पैगम्बर अक्रम सल वसम ने यह चाहा कि इस्लाम का जो अकतसदी बेस है वह महकम रहे और इंटलेक्चुअल बेस भी महकम रहे उसके लिए आपने बाकायदा इंतज़ाम भी किए ये सिलसिला है इस वक्त अगर हम इस इनको और जो नो ये काम कर चुके हैं उससे मुकाबले की बात करें और आज़ादी और मुकावेमत की बात करें तो हमें पहले मरहले में ये समझना चाहिए कि ये लोग इंटेलेक्चुअली वो डेप हासिल कर चुके हैं जो हमने अभी हासिल नहीं की है हमें अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है इसी तरह से इकतसदी एतबार से ये इस वक्त रीशों में घुसे हुए हैं दुनिया के और आप जाकर देखेंगे मैंने अभी आप सर्च किया कि दुनिया का कोई बिज़नेस आपको बड़ा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें आप जब एंड यानी टॉप पर पहुंचेंगे तो आपको कोई यहूदी ना मिले सारी बड़ी मल्टानेशनल इनके हाथ में हैं मीडिया इनके हाथ में है असले की इनके हाथ में हैं सारी सारी बड़ी ट्रेड्स ये कर रहे हैं सारे बड़े बैंक्स इनके हाथ में हैं दुनिया के अंदर जितना भी इन्फ्लुएंशियल है आपको अफराध मिलेंगे वो यही लोग मिलेंगे अच्छा इन्होंने इस दौर में भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने जब रेनेजेंस के दरमियान में एक अपना इंटेलेक्चुअल बेस मजबूत करने की कोशिश की तो फिर एक स्टेज पर आकर उन्होंने छोड़ दिया ऐसा नहीं है अभी भी आप जाकर देखेंगे तो आपको इनकी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के तौर पर मिलेंगी इनका जो रिसर्च बेस है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग है उधर से इकनॉमिक्स में यानी आप चले जाएँ एग्रीकल्चर में चले जाएँ तो आपको यहूदी मिलेंगे लाइफ स्टॉक में आप चले जाएँ तो आपको यहूदी मिलेंगे फार्मास्यूटिकल में यहूदी है इंडस्ट्री के अंदर यहूदी है सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं आपको यहूदी मिलेंगे सारे बड़ी दुनिया की जितनी भी चीजें आप उठाएंगे उनमें आपको यहूदी मिलेंगे तो दोनों चीज़ों को स्ट्रेंद आ, आज भी वो इन्हीं दोनों चीज़ों को स्ट्रैदन किए हुए एक तरफ से इकोनॉमिक्स उनके हाथ में है दूसरी तरफ से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है अभी आप ये देखें कि जो करोना के हवाले से बीमारी के हवाले से बहस चल रही है उधर से जो है वो 5G के हवाले से बहस चल रही है ए, लोगों को अपना गुलाम बनाने के हवाले से जो बहस चल रही है तो वो एक पूरा इंटलेक्चुअल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर काम हो रहा है और उसके साथ काम हो रहा है हम उसके मुकाबले पर कहाँ खड़े हैं हमारी रिसर्च कहाँ है हमारे पास है कोई रिसर्च का इदारा ऐसा हमारे पास रिसर्च के इदारे नहीं है कि जो उनकी अफकार उनके इनहराफात फिक्री को अव्वल जवाब दे सके और फिर आपके लिए प्लानिंग कर सके इसी तरह से इकतसादी तौर पर ये मैं यानी आप सबसे मुखातब होकर ये बात कहना चाहता हूँ इसको समझें अगर हम चाहते हैं कि हम यहूदियत जैसे ममिन के बदतरीन दुश्मनों से मुकाबला करें कि जिन्होंने यकीन इस्लाम को भी नुकसान पहुँचाया है आयिल सलाम को भी नुकसान पहुँचाया है अगर हम चाहते हैं कि इनसे मुक़ाबला करें तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें अपने आप को इंटेक्चुअल बेस को भी स्ट्रॉग करना पड़ेगा और अपने जो हमारा इकनॉमिक बेस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ये दो बेस आप स्ट्रॉग करें आपके पास भी हुकूमत आपके पैरों में है और आप जो है वो आ, दुनिया के अंदर इसी तरह से नफूस पैदा कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने किया हम अभी तक जो है वो अपने आप को एक ऐसी फ़िज़ा में खड़े बाजाओक होता है लोग कहते हैं कि जी वो हमने क्यों उनको साजिश करने दी हमने क्यों उनको जो है ना वो अपने अंदर नफूज करने दिया है तो मैं इसका जवाब बड़े आसानी से दे दूँ देखें हक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो हक होते हुए कभी भी बातिल राहों को इख्तियार नहीं कर सकता हम अपना नफूस कायम करने के लिए किसी को नाहक और बेजा कत्ल नहीं कर सकते हम अपना नफूस कायम करने के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकते हम अपना असर रसूख या दीन हक़ को सरबुलंद करने के लिए लोगों का इससाल नहीं कर सकते उन्हें लूट नहीं सकते उन्हें धोखा नहीं दे सकते जबकि जो जाइनस्ट बेस है उसने ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए हैं और आज भी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है अब जिस चीज़ की तरफ ये जा रहे हैं इस वक्त आप इसको जहन में रखिएगा कि फ़िलिस्तीन में इनकी इबादत गाहों का जो ये ड्रामा करते हैं कि जी हमारी इबादत गाहें हैं या फला हैं ये सब एक ड्रामा है ये लोग दीन से खसूस जो जाइनस्ट अफकार हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो ये दीन से इतना दूर हो चुके हैं इनको दीन मज़ाक लगता है ये बुनियादी तौर पर शैतान परस अस फिरका है कि जो शैतान की हुकूमत खुदा के मुकाबले पर हुकूमत के जो है वो ख़्वाब देख रहा है आप इन्होंने जिस तरह से किताबों में तहरीफ की आप जाकर देखिए कि उसमें बुनियादी तौर पर खुदा को एक कमज़ोर हस्ती के तौर पर दिखाया गया है कि जो कुश्ती में मसा नावज़बिल्लामजारिक नकल कुफ्र कुफ़र नबाश के हजरत याकूब से जो है वो कुश्ती में हार जाता है और इस तरह के या हजरत दाऊद के साथ या मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की जो हैं अम्बिया के हवाले से जो है न किसी नबी को जो है ना वो कंट्रोल करना चाह रहा है वो नबी कंट्रोल में नहीं आ रहा वगैरह इस तरह के बेतहाशा इनहराफ हैं अम्बिया के ख़िलाफ़ आप देखें तोरात जो है उसमें अंदर आप कभी भी ओल्ड टेस्टमेंट उठा के पढ़ें आप हैरान होंगे कि किस कदर इन्होंने अम्बिया के मुतालिक झूठ बोला है और अम्बिया के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं तो अब इस वक्त जो हमें गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि फलस्तिन को बहाना बना बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया के ऊपर ताबूत और शैतान परस्ती का जो गलबा है उसके लिए ये सारे के सारे जो है वो काम किए जा रहे हैं और इस वक्त इसराइल की मुखालफत और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी इकदाम बुनियादी तौर पर शैतान के खिलाफ काम है और शैतान के खिलाफ काम जो हो भी है वो यूँ समझ लीजिए कि हक़ और हक़ की हिमायत में काम है लेकिन हमारी मजबूरी ये कि हम धोखा नहीं दे सकते हम इस नहीं कर सकते हम किसी को नाक़ कत्ल नहीं कर सकते लेकिन इसका माना ये नहीं है कि हक़ कमज़ोर है ये बातिल की कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो ये सारे चीज़ें इख्तियार करता है धोखे देता है लोगों को लोगों के साथ झूठ बोलता है लोगों को जो है वो इनहराफ का शिकार बनाता है अब देखिए किस तरीके से इन्होंने नफूज के लिए हती बेशर्मी को बेहयाई को फाशी को इन्होंने अपने मकासद हासिल करने के लिए यह हद हर से गुजर जाने वाले हैं यानी इनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है ये अपनी ख़ातिन को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी औरतों को भी इस्तेमाल करते हैं कोई भी जो एथिकल वैल्यू है हुकूमत और नफूज हासिल करने के रास्ते में ये उससे जो है वो गुजर जाते हैं हम नहीं कर सकते अब इसका मानना यह नहीं है कि हम कमज़ोर हैं हमें सबसे बड़ा जो अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे हैं हमारे पीछे खुदा है और ये याद रखिएगा कि इमाम हुसैन सलाम ने करबला में बुनियादी तौर पर हमें और आपको यही पैगाम दिया है कि देखो अगर बातिल तमाम तर जो अपने यानी नफूस के साथ तमाम तरह अपनी सल्तनत के साथ हर चीज़ पर काबिज़ हो चुका हो सारा कुछ उसके इख्तियार में हो सब कुछ वो अपने कंट्रोल में ले चुका हो लेकिन अगर आपके साथ खुदा है तो आप बहत्तर अफराद के साथ उस वक्त अगर आप यजीद की हुकूमत का स्पैन देखेंगे आज की दुनिया में आपको इस तरह की यानी हुकूमतें नहीं मिलेंगी यानि वह शाम से शुरू होकर और सऊद यानी आपके मदीना से लेकर ईरान की हकूमतें इनको शामिल करें कितनी बड़ी हुकूमत है उस वक्त यजीद के पास लेकिन बहत्तर अफ़राद का इनकला जो है उसने पूरे तारीख में उसको जो है नाबूद करके रख दिया यही चीज हमें और आपको समझने की जरूरत है कि हमें और आपको पर पर ये लोग हैं के जो भरोसा करते हैं वो जो इकबाल का शेर है ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन हो तो लड़ता है बेतेख सिपाही इसका माना यह है कि मोमिन के पास जो सबसे बड़ा हथियार है मोमिन के पास जो सबसे बड़ा इसल है वो परवरदिगार के ऊपर तोकुल का है इमाम खुमैनी खोमैनी की जो हमें बसरत दीनी नज़र आती है और वाक़ा उनकी जो है तो सियासी सलाबत और उनकी जो है वो नज़र जो है वो यहाँ पर नज़र आती है कि उन्होंने उस दौर में उस जो आज हम और आप देख रहे हैं उसको उस दौर में सेंस करते हुए इनको जो है वो अमेरिका को शैतान अकबर कहा इसलिए कि पूरी दुनिया में इसराइल को बनाने से लेके सपोर्ट करने तक उसको असला फराम करने से सियासी सपोर्ट करने तक बरतानिया और अमेरिका ने जो रोल प्ले किया है वो शर्मावर है यानी दुनिया में आप जाकर देखें कि इतना शर्मावर जो है वो बिहेवियर शायद ही किसी और ने किया हो जो अमरीका और बरतानिया ने इसराइल के क़्याम के लिए किया है और इसराइल के क़्याम के लिए हत इन्होंने अपने लोगों के साथ जो है वह नौई बगावत की है अपने लोगों के साथ धोखा किया है लिहाजा वहाँ की अपने अफराद जो हैं वो इनके मुखालिफ हैं और इनसे जो है वो नफरत करते हैं जैसे जैसे उनको ये समझ में आता है कि इसराइल के बका के लिए जो हमारे और हमारे बच्चों को जब क़ुरबान किया गया लेकिन इस मसला क्या है कि खुद अमरीका और बरतानिया की जो हुकूमतें हैं वो इनी पंजों के दरमियान में है डोनाल्ड ट्रंप जो है आप देखिए किस तरीके जो जो है है का चमचा है कि खुलेआम यानी ऐलान किया जा रहा है कि जहां कहीं पर भी अमेरिका में जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में जायनिज्म के खिलाफ तालीम दी जाएगी वहां पर जो है वो हम उसकी फंडिंग रोक लेंगे आज जायनिज्म अपनी पूरी कुवत के साथ है म कोच्स जो मनाया जाता है उसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इसके ज़रिए से हम अपनी उस इसराइल मुखालफ उस ताखूत मुखालफ जो मकावमत है उसका इदा, इदामा रखते उसको जारी रखते हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं और वो क़वत जमा करते रहते हैं कि जो क़ुत हमें हर मौके पर बातिल के मुकाबले पर खड़ा होने की क़वत अता करती है लिहाजा इस वक्त जो हमें समझने की ज़रूरत है जिसान मन मुसलमानों के लिए जो लम्हे फिक्रिया है वो ये है कि इसराइल के कब्ज़े में हमारा न सिर्फ़ अव्वल है बल्कि आले सऊद की शक्ल में वो हमारे कबल दवों पर भी काबिज हो चुका है नफूज़ उनका हर जगह पर मौजूद है और उन्होंने अपने तौर पर जो वो कर सकते थे वो किया दुनिया में जितना जुल्म हो रहा है उसके पीछे आपको यही जायनस मिलेंगे फ़लस्ती यकीन वो मरकज़ है और फ़लस्तीन की तारीख़ में आप देखें कि इन इन्हीं अरब मुल्कों ने क्या इनका रोल था मिस्र का क्या रोल रहा है उर्दन का क्या रोल रहा है शाम का क्या रोल रहा है ये लोग मिलकर भी इकट्ठे होकर भी जो है इसराइल जिसको बिल्कुल एक नौजायदा हुकूमत था ये कुछ नहीं कर सके क्यों इसलिए कि इनके लोग खरीदे हुए थे इनकी हुकूमतें खरीदी हुई थी इनकी आर्मीज खरीदी हुई थी और उसके बाद हम देखते हैं कि जब इनकलाब इस्लामी आता है और इनकलाब इस्लामी की जो है वो फर के हैसियत से हजबुल्ल लबनान आती है तो तैंतीस रोज़ा जंग में इसी इसराइल को कि जिसने पूरे आलम अरब को जो है वो खाक चटा दी थी तैंतीस दिन में उसकी नाक को जो है वो ज़मीन पर रगड़ कर ये साबित करते हैं कि एक छोड़ कम मिन फ़िआन कलीलातन गला बत फ़िआन कसीरा बेज़न ला और ए, उस जंग के बाद से हमें और आपको यह समझना चाहिए कि इसराइल अपने टैंक्स पर अपने इसलह पर अपने जिस चीज़ पर भी गुरूर करे अगर हमारे पास ईमानी जोश जज्बा हो हम आज भी तागत को शिकस्त दे सकते हैं लेकिन अजीज़ा मन एक अहम तरीन पैगाम जो मैं आपको देना चाहता हूँ अलकोस नज़दीक है और हमें किसी भी तरह से आज ये जो लॉकडाउन चला है इन सब के पीछे एक मकसद ये भी है लोगों में खौफ और हरास और ये सारी चीज़ें पैदा करने के बाद कि हमें ये समझाया जाए कि तुम्हारी इन चीज़ों में से किसी चीज़ की अहमियत नहीं है हम जब जो चाहेंगे वो करेंगे मुझे इस बात की तकरीबन आ, मैं ये कह सकता हूँ कि आ, अपने कम अज़ कम मोमिन से पाकिस्तान की इस बात की खुशी है कि उन्होंने अमीरुल अमिर में मजालस को जिस तरह से बरपा किया जुलूसों को जिस तरह से बर्पा किया उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि दुनिया में ख़तर जिस लेवल पर आ जाते कि हम एहतियात के ख़िलाफ़ नहीं हैं जहाँ कहीं पर भी एहतियात से हाथ उठाया जाएगा एस ओ पीज की मुखालफत की जाएगी हम उसकी मजम्मत करते हैं लेकिन हमने एस ओ पीज के तमाम तर रियायत के साथ अपनी इबादतों को, को अपने मजालस को अपने जुलूसों को अंजाम देकर ये समझाया है कि हम हर सूरत में आज़ादारी से हाथ उठाने वाले नहीं हैं और ये आज़ादारी ही हमारे लिए ताूत के मुकाबले पर सबसे बड़ा सहारा है और ताबूत के मुकाबले पर जुल्म के मुकाबले पर आवाज़ उठाने के लिए इमाम हुसैन आल की आज़ादारी जारी रहेगी इन और हम इसी प्लेटफॉर्म से कबल अअल की हिफाजत के लिए भी खाना क़बा की हिफाजत के लिए भी तमाम जितने भी मकाम मुकदसा हैं उनकी हिफाजत के लिए और इसी प्लेटफॉर्म से हम ना सिर्फ़ फ़िलिस्तीन की आज़ादी और फ़िलिस्तीन की मकावमत की हिमात का ऐलान करते हैं कश्मीर में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ हम उसी तरह से यानी हमारे लिए इसराइल में और भारत की ालमाना हुकूमत जो मोदी की है उसके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है और ये हमारे लिए बराबर के लिम हैं दोनों ने जुल्म की जो दास्तानें बरपा की हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि मुसलमानों को इस अब गौर करना चाहिए फ़िक्र करनी चाहिए कि वो कौन सा तरीक़ार है वो कौन सा रास्ता है या वो कौन सा ख़त है कि जो हमें इस वक्त दुनिया की जो है वो इन ताक़तवर हुकूमतों से लड़वाने का और इनके मुकाबले पर खड़ा होने के हौसला अता करता है और हमें उनके मुकाबले पर इस्तेकाम अता करता है ये याद रखिएगा कि जितनी भी तकफीरी आउटफिट्स हैं चाहे वो अलकायदा हो चाहे वो दाइश हो चाहे वो तालिबान हो ये सारे के सारे इन्हीं यहूदियों की पैदावार हैं और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आपको चैलेंज करता हूँ मैं कि आप मुझे दिखा दिए कि किसी एक जगह पर दाइश ने जो है वो यहूदियों के खिलाफ ऐलान किया हो अलकायदा ने कभी यहूदियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो इन्होंने तालिबान ने कभी यहूदियों के ख़िलाफ़ कोई बात की हो साबित हुआ है ऑन रिकॉर्ड है टी वी का पाकिस्तान का एंकर ला कर आपको जो है वो चीज़ें साबित करता है और लाकर दिखाता है कि अबू बकर बगदादी जो है तो एक एक तबाह बर्बाद तब करना चाहते हैं लिहाजा मुसलमानों के साथ होश में आने की जरूरत है खत इमाम खुमैनी रिजवान खत है कि जो इन शह इसराइल को नाबूद करेगा और जिस तरह से रहबम ने कि खुदा उनकी उम्र उम्रता करे खुदा उनके हाथ से इस इनकाब को इमाम जमाना आल के हाथों में मुंतकिल करे रहबर मौसम ने इनशाला जिस तरह से फरमाया है कि इन आज से कुछ साल पहले फरमाया था कि 25 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा इसराइल और ये जितने भी हालात जा रहे हैं इन शे सारे के सारे हालात खुद इसराइल की नाबूदी की तरफ जा रहे हैं इन शह फलस्तान फलस्तान आज़ाद होकर रहेगा हम बैतुलमक़द्दस में दोबारा नमाज अदा करेंगे और इन शह इसराइल दुनिया की जो सूरत और शक्ल है उससे हतम नाबूद होगा इस दुआ के साथ इस सिलसिले को इहतमाम करते हैं कि परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान के इन मुबारक सातों में जैसे जैसे माह मुबारक रमज़ान अपने अख्ताम की तरफ जा रहा होता है ये इसका अख्ताम नहीं होता एक कमाल होता है एक तरह नोई कमाल हासिल कर रहा होता है जैसे एक माउंटेनियर जब चोटी पे चढ़ रहा होता है तो जैसे जैसे चोटी के नज़दीक जा रहा होता है पहाड़ ख़त्म नहीं हो रहा होता बल्कि कमाल हासिल होने की मंजिल हासिल हो रही होती है बिल्कुल उसी तरह से जैसे जैसे रमज़ान अपने अख्तितम की तरफ जा रहा है रमज़ान ख़त्म नहीं बल्कि अपने कमाल की तरफ पहुँच रहा है लिहाजा इन अयाम में अपनी इबादतों को शदीद करें अपने अल्लाह तला के साथ तवसल को शदीद करें अपने रोज़ों से सही इस्ता करने की कोशिश करें और दुआ करें कि परवरदिगार बक् महमदाल महमदाम मनतमी मज़लूम जहाँ इमाम जमाना आल सलाम के जहूर में ताजील फरमा बार बक महमद वाल महमद फ़लस्तीन के मजलूम जहाँ दुनिया भर में उनके लिए जो भी मकामे हो रही है उस सारे मकवमत को कामयाबी के साथ हमकिनार फरमा इसराइल के वजूद को नाबू फरमा दुनिया की तागोती हुकूमतों के वजूद को नाबू फरमा इमाम की अदल और इंसाफ़ की हुकूमत को कायम फरमा बार तमाम उलामा मराज एजाम की हिफाजत फरमा जहाँ जहाँ बातिल से ममिन पैकार है बहरैन में यमन में इक़ में शाम में सऊदी अरब में लुबनान में नाइजीरिया उन सब को नुरत व कामयाबी इनायत फरमा फ़लस्तानी म्यांमार कश्मीर के ममिन को नुसरत कामयाबी इनायत फरमा बारेला हा कमाम मौल मराज़ाम सिस्तानी रहबर मौम इनकलाबनलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा हिजबुल्ला हिजबुल्ला की रहबरीतार्सार्ल् की रहबरीत की हिफाजत फरमा हजत शाबी और उसकी रहबबेत की हिफाज़त फरमा जहाँ जहाँ हमारे मुजाहिदीन और मुदाफ़ी आन हरम इस वक्त बातिल से बरसर पेकार है उनको बिलखसूस नुसरत कामयाबी इनायत फरमा जहाँ जहाँ पर भी मकाममत इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ आगूद के खिलाफ काब कर रही है उसको बारत कामयाबी नायत फरमा हम सब को इमाम ज़माना सलातम के अवान में शुमार होने की तोफ़ी इनायत फरमा रब बना तकब्बल मन्ना इन का अन तस्मालीमत कया